आमचा स्वानंद न्यूज चॅनल ला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूज चे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल वर. अनुराग पवार इज इंटरनॅशनल मेकअप आर्टिस्ट, ऑल्सो टीच द स्टुडंट्स. By taking the bridal order of the wedding, reduce happy movements will colors of beauty. Not only that, we have own makeup academy. Learn the skill of makeup. We will help you to find your hidden art. Introducing you to the secret beauty files. Get your talent shaped by professionals. Anurag Makeup Studio, Kalyan West. उल्हासनगर मध्ये एका आरटीआय कार्यकर्त्याला महिलेने मेदम मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. गंभीर बाब म्हणजे पोलीस ठाण्याच्या बाहेरच ही मारहाण झाल्याने मोठा गोंधळ उडाला होता. मारहाणीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मारहाण झालेल्या आरटीआय कार्यकर्त्याचे नाव प्रकाश जलदेजा असे आहे. उल्हासनगरमधील एका शाळेच्या जागेच्या विवादावरून ही मारहाण झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. दिवलेला शाळेच्या शेजारी असलेली जागा मुलांच्या मैदानासाठी राखीव आहे, मात्र त्या ठिकाणी संरक्षक भिंत बांधून जागा हडपली जात असल्याचे जलदेजा यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान या जागेचा वाद पोलीस ठाण्यात गेला. यावेळी दोन्ही बाजूच्या लोकांना उल्हासनगर पोलिसांनी पोलीस ठाण्यात बोलावले होते. त्यानंतर पोलीस ठाण्यातून बाहेर पडल्यानंतर तलरेजा यांना एका महिलेने मारहाण केली. यात उल्हासनगर शहरातील टीओके या स्थानिक पक्षाचे नाव समोर येत आहे. खेलने कूदने के लिए रिजर्व है, वो जमीन इन्होंने 2 से 3 से लगातार रोजाना रात को बाउंड्री लगा के हड़प रहे हैं. हमने उनको रोका, पुलिस प्रशासन ने मदद की, एसीपी साहब खुद आए, उन्होंने उनका काम बंद करवाया और आज हमारी यहाँ मीटिंग हुई शाम को 5 बजे के लिए. सीनियर साहब और एसीपी साहब के ऑफिस में मीटिंग है, वो निर्णय हुआ कि मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा. उसके बाद मैंने एसीपी साहब को बोला, साहब बाहर इन लोगों की फील्डिंग लगी हुई है मुझे मारने के लिए. बोला साहब आपको कुछ नहीं होगा, सीनियर साहब ने कमिटमेंट किया. उसके बाद मैं अभी जैसे बाहर आया, गाड़ी चालू किया, मुझे टीओके के कुछ लड़कियां बुलाई, लड़के लोग उनके जो फंटर लेके घूमते हैं, ये जो गुंडागर्दी टीओके की चलती है, उन्होंने मुझे इस तरह से मारा है. ये मेरा ब्लड निकल रहा है, ये मेरा फेस देखिए, मेरी बॉडी देखिए, बहुत बुरी तरह से मारा है. टीओके का अस्तित्व सिर्फ गुंडागर्दी है उल्हासनगर में. टीओके का अस्तित्व सिर्फ गुंडागर्दी है उल्हासनगर में, जिसका जीता जागता प्रमाण आप देख सकते हैं. टीओके का अस्तित्व सिर्फ गुंडागर्दी है. ट्रस्ट के पदाधिकारी हो क्या? पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ. मेरे पास अटॉर्नी है और मैं हाई कोर्ट से पिटिशनर हूँ. मैंने वो पिटिशन जीती है और मेरे पास मैंने सारे दस्तावेज. तो अभी ट्रस्ट के कोई लोग आपके साथ में नहीं है? है ना, अभी यूएमसी कमिश्नर के पास मीटिंग चल रही है, जहाँ पर आमदार कुमार एलानी साहब भी हैं, मैं सुखरामानी साहब भी हैं, चुलेलाल स्कूल के ट्रस्टी महेंद्र मूलचंदानी जी भी हैं और भी कई लोग. वहाँ पर एक मीटिंग चल रही है. यहाँ पर स्कूल के प्रशासन की टीचर्स को बुलाया गया था, मैं उनके साथ आया. टीचर के साथ भी उन्होंने बदसलूकी की उनके लड़कों ने. तब पुलिस ने बोला कहीं ये ना हो, इसीलिए उनको भेज दिया और उनके एज ए रिप्रेजेंटेटिव के नाते मैं यहाँ बैठा था. हमारी बात हुई, उसके बाद इन लोगों ने मुझे इस तरीके से मारा है. ये मामला तो न्याय प्रविष्ट है ना? न्याय प्रविष्ट है, स्टेटस को है. स्टेटस को के बावजूद उन्होंने उस जमीन को हड़पा है आधी रात को बैठ के, जिसका वीडियो फुटेजेस वॉइसेस मैं आप सबको प्रोवाइड कराता हूँ. आपको किसके ऊपर शक है? ओमी कलानी खुद रात को चड्डी और बनियान में आया था और पुलिस डिपार्टमेंट को बोल के गया, मैं जाके उस जमीन को हड़पता हूँ, किसमें दम है आके बंद करा दे. उसके बाद यहाँ धमकी देने के बाद वो वहाँ पर जाके जमीन खुद हड़पाई है. उनके सारे एसोसिएट मिलके वहाँ बैठे, चड्डी और बनियान में आया था, पुलिस के सामने जो बदसलूकी की, उसके भी मेरे पास फुटेजेस और वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं आप सबको प्रोवाइड कराता हूँ. अरे टीओके का अस्तित्व. आता मारहाणी प्रकरणी उल्हासनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र कदम यांनी दिली आहे. आकाशवाणी स्वानंद मीडिया उल्हासनगर. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.